अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग ज़िला दार का कुछ रहता था हमारा पोर्शन। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्स्ट 50 क्वेश्चन ज़िला दार के। ये जो लास्ट टाइम कुछ जॉब्स आई हुई थी, ये जो लॉकडाउन अभी उम्मीद है कि कुछ टाइम में ठीक हो जाएगा, उसके बाद इसका पेपर भी फिर शेड्यूल कर दिया जाएगा जैसे ही कुछ हालात बेहतर होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी प्रिपरेशन के बारे में ज़िला दार की। तो पहले हम लोगों ने डिस्कस किए थे फर्स्ट 50 MCQs फर्स्ट पार्ट में, और ये सेकंड पार्ट है, तो इसमें हम लोग नेक्स्ट 50 MCQs जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इसमें MCQs है जी 51। लीडर फर्स्ट रेज द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर इंडियन मुस्लिम, ये सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन ए है। तो ये आप लोग जो है ना, ये इसका ऑप्शन ए। और इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि अब ये सर सैयद अहमद खां का ऑप्शन है ना, तो आप लोग लेड पेंसिल ले ले, कच्ची पेंसिल से छोटी सी लाइन लगा के आप आगे अगर इससे रिलेटेड कोई और आपके क्वेश्चन माइंड में आ रहा है तो आप उसको लिख सकते हैं। ऐसे ही मियां मोहम्मद शफ़ी है, मोस्टन मुल्क है, ये आप इनके जो हैं वो छोटा सा करके थोड़ी सी लाइन लगाए इधर की तरफ तो आप आगे लिख लें। मैं थोड़ी सी एग्जांपल भी दे देता हूँ आगे आपको जाके। आगे 52 द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ये द पिमीर, ऑप्शन डी है, प्लेट्यू तिब्बत इसको कहा जाता है। इसमें कुछ ऑप्शन रॉन्ग भी है तो वो मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों को क्लियर करता जाऊँ साथ साथ ही, तो क्योंकि बुक में ये होता है कि वो जब कंपाइल होती है तो कुछ ऑप्शन जो है तजाद की वजह से रॉन्ग भी उनके आंसर लगे होते हैं। खैर वो तो साथ साथ फिर चलते ही रहेगा। फिर ये इसमें देखें एक और सवाल क्लियर हो सकता है, द एंडस ये भी एक माउंटेन है, एलप्स ये भी माउंटेन है। तो अगर आपके माइंड में इनके इनसे रिलेटेड भी दो क्वेश्चन हैं वो भी आप लाइन लगा के लिख सकते हैं। एक यूरोप में है और एक जो है वो साउथ अमेरिका में है, माउंटेन या किधर है, ये आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसका। उसके बाद अगला वो पूछ रहा है 53 द लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 23 मार्च 1940 वाज कंडेमड फ्रॉम सिंध प्रोविंस, सिंध से जो है वो अब्दुल्ला हारून साहब, ये सी ऑप्शन राइट होगा इसका। उसके बाद ली हार्वे इज़ द सी पोर्ट ऑफ, ये फ्रांस राइट है। और इस तरह आप लोग लिस्बन जो है वो कैपिटल है पुर्तगाल का और इसकी सी पोर्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर आपके माइंड में इटली से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं वो इसकी सी पोर्ट हो, इसकी कोई इसका कैपिटल हो, जो आपको चीज़ नहीं याद आपको बार बार तंग कर रही है वो यहाँ पे आप छोटी सी लाइन लगा लें लेड पेंसिल से तो आप लोग यहाँ पे जैसे रोम है या सिटी ऑफ कैनाल, वेनिस इसी इटली में ही है, और काफ़ी चीज़ें इसमें लीनिंग टावर ऑफ पीसा वो इसमें है। तो आपको जो चीज़ मुश्किल लगती है वो आप छोटी सी लाइन लगा के यहाँ पे कच्ची पेंसिल से उसको लिख सकते हैं, आसानी से याद रहेगा। उसके बाद द पीपल रिपोर्ट ऑन द, ये उसने कहा है जी कांग्रेस मिनिस्ट्री 1937 वाज कंपाइल्ड बाय, ये इसका ऑप्शन बी है। जिसका आपको डाउट हो वो आप लोग चेक भी कर सकते हैं, ये मैंने नेक्स्ट टैब में ओपन किया हुआ है इसको 55B, ये देखें राजा साहब महमूद अबाद, राजा मोहम्मद मेहदी सॉरी, ठीक है इसका ऑप्शन बी है। उसके बाद वो कहता है कि हु एडमिनिस्ट्रेटेड द ऑथ ऑफ ऑफिस टू लियाकत अली खान एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कायदे आजम, इसका ऑप्शन है ए राइट आंसर। उसके बाद पाकिस्तान फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज सेट अप इन 1972 एट कराची विद द असिस्टेंस ऑफ कैनेडा, जो फर्स्ट जो था ना न्यूक्लियर वो 1972, और इसकी डेट भी आप लोग एग्जैक्ट लिख सकते हैं फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन कराची गालगुन 28 नवंबर, ये देखें आप लोग ये 28 नवंबर भी इसमें लिख सकते हैं।
और यूनिट प्लान्ड और इसका ये जो है ना, ये थोड़ी सी डिटेल अगर इसमें, लेकिन ये है कि इसका 28, ठीक है, ये आप 28 नवंबर को यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे छोटा सा करके कच्ची मनसा से लिख ले, ताकि वो एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि वो किस डेट को बना था। वो चार ऑप्शन दे दे, 28 मार्च दे दे, 28 नवंबर दे दे, ऐसे ही डिफरेंट ऑप्शन से वो कंफ्यूज कर सकते हैं आपको। नेक्स्ट है जी ड्रोन लाइन के बारे में। ये 1893 में 58 का आंसर है, और ये आप लोगों ने इसको भी थोड़ा सा देख लेना है। ये जो चीज़ें हैं, इन 2013 रशिया वाज़ द फर्स्ट एंड द यूएसए वाज़ द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, ये कुछ चीज़ें आप लोगों ने ये जो लिखी हुई हैं, ये इन चीज़ों को भी आप लोगों ने थोड़ा रीड कर लेना है अगर टाइम मिले तो। उसके बाद है जी हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ग्रीन पीस इज इन लंदन, राइट आंसर है इसका। और ग्रीन पीस आप लोगों को पता होना चाहिए कि कब बनी थी। ग्रीन पीस फाउंड, ये आप लोगों को, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, और आप लोग यहाँ पे लिख लिख लें, वो आसानी है। वो एग्जामिनर समटाइम पूछ भी सकता है कि ये जो है वो कब बनी थी ग्रीन पीक जो है, उस ग्रीन पीस इसके बारे में। तो आप लोग यहाँ से रिसर्च करके इसका लिख सकते हैं जी, ग्रीन पीस ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे आप लोग ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे, 1971 ये लिख लेंगे। और इसका हेडक्वार्टर किधर है जी, ये एम्स्टरडेम, सॉरी इसका ऑप्शन डी राइट आएगा, 59 का, 59 का डी ऑप्शन राइट। और यहाँ पे आप लोग इसको जो है वो हेडक्वार्टर, एम्स्टरडेम इज़ द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। वो ये भी पूछ सकता है कि नीदरलैंड का कैपिटल क्या है, तो ये आप लोगों को भी होना चाहिए आइडिया। देन 1971, ये आप लोगों के सामने जो है वो फाउंड कब हुई है, और ये आप लोग यहाँ से इसकी थोड़ी डिटेल देख सकते हैं। 55 कंट्री एंड इंटरनेशनल गोल्डन, और इसका मकसद क्या है, और ये छोटी चीज़ें आप लोग छोटी छोटी चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद आगे ये इसका डी ऑप्शन राइट होगा। द काज ऑफ मलेरिया वाज डिस्कवर्ड बाय रोनाल्ड रोस, ये सी ऑप्शन राइट है। फिर नेचुरल गैस, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस इन द मुस्लिम वर्ल्ड ईरान, सी ऑप्शन राइट। वैसे अगर गैस की बात करें तो सबसे ज़्यादा रशिया पहले नंबर पे है, लेकिन वो इसमें ऑप्शन नहीं है, और अगर ऑप्शन होता भी तो रशिया इज़ नॉट अ मुस्लिम कंट्री, सो ईरान इज़ राइट सी। ये अब कजाकिस्तान है, इसका कैपिटल अगर नहीं याद तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या इससे रिलेटेड कोई और है। आई थिंक कजाकिस्तान को डबल लैंड लॉक कंट्री भी कहा जाता है। इसके अलावा कोई और चीज़ देख लें अगर आपके माइंड में है तो यहाँ पे आप लोग मेंशन कर सकते हैं। बख्तर इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ऐसे ही जो है वो, इसको मैं क्लोज़ कर दूँ, बख्तर जो है वो अफगानिस्तान की है न्यूज़ एजेंसी। ईरान की भी पता होना चाहिए आपको, अगर पता है तो यहाँ पे छोटी सी पेंसिल से, कच्ची पेंसिल से आप लोग लिख सकते हैं ताकि आसानी के लिए। अगर तो याद है आपको अच्छे तरीके से, तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिखने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, समटाइम ये होता है कि आप लोग पढ़ रहे होते हैं 100 MCQs, तो जब ये चार सात सात चीज़ें आप लोग लिखेंगे तो आपको वो बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। उसके बाद ये विटामिन ओवरडोज कैन काजेज किडनी डैमेज, ये विटामिन डी है, इसने गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इसने सी लिखा हुआ है 63 का, इसने सॉरी बी लिखा हुआ है, लेकिन इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी, विटामिन डी, सी ऑप्शन राइट है, विटामिन डी है। इब्ने बतूता इज वाज अ फेमस ट्रैवलर।